रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अम्मी का दस्तरखान। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और चांद रात मुबारक। तो आज मैं आपको लेके चलूँगी, यहाँ पे चांद रात का मेला लगा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे मेले पे लेके चलती हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर कितना ज़्यादा रश था। और यार यहाँ पे इतने खाने के मज़े मज़े के स्टॉल्स लगाए हुए हैं और बहुत मज़ा किया हम रात। ऑलमोस्ट मैं 10 बजे जब निकल गई थी घर से, और वहाँ पे मैं 10:30 तक पहुँची और देखी कितना रश है। ये 2 दिनों से मेला लगा हुआ है। और इधर देखो, इधर इतनी सारी ज्वेलरी के स्टॉल्स, मेहंदी के स्टॉल्स, कपड़ों के स्टॉल्स, बहुत ही मज़े की चीज़ें, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि दही भल्ले और फ्रूट चाट और समोसे और पिज्ज़ा, सब कुछ था। और यहाँ पे गाने भी गा रहे थे, फ्लूट भी बजा रहे थे। और मैंने तो कुछ ज़्यादा नहीं लिया बिकॉज़ मैं पाकिस्तान से सब कुछ लेकर आई हूँ। और यहाँ पे जो है एक काफ़ी अच्छी ज्वेलरी भी मिल रही थी, काफ़ी रीज़नेबल, कुछ रीज़नेबल प्राइस थी और कुछ जो थी वो मतलब ज़्यादा ही ओवर प्राइस थी। और तो यहाँ पे पहले तो कुन फाया कुन पढ़ते रहे, और फिर उसके बाद जैसे ही जी ईद का चांद अनाउंस हो गया था तो फिर यहाँ पे गाने स्टार्ट हो गए थे बिकॉज शैतान निकल आया था। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। और सबसे पहले यार मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहिए मेरी वीडियोज़। यहाँ जी अब मैं ब्रेसलेट ट्राई कर रही हूँ, बहुत प्यारा ब्रेसलेट था और ये मैंने बाय कर लिया है। मेरी फ्रेंड ने मुझे लेके दिया है, उसने मुझे गिफ्ट दिया है, मैंने बाय कर लिया है। और तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। और ये मेहंदी यहाँ पे लगा रही हैं, बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही थी और बेचारी थक जाती हैं, 2 दिनों से मेला लगा हुआ है और इतना ज़्यादा लाइन अप है इनके पास। कुछ ना तो स्टेंसिल्स रखे हुए, आराम से लगाती हैं, छापा मार लेती हैं और सब ठीक हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने हाँ चूड़ियाँ खरीदी थी, चूड़ियाँ भी देखी थी, चूड़ियाँ बहुत मज़े की थी। आपको पता इंडियन स्टाइल की चूड़ी कुछ अलग ही होती है, राइट, कड़े के साथ। और उसके साथ काफ़ी हैवी ब्राइडल ड्रेसेस पे थे और दूसरे आम कुर्ते भी हैं पहनने के लिए, काफ़ी कुछ मिल जाता है। और जिन लोगों ने पाकिस्तान से कुछ लोग नहीं लेकर आते या शिपमेंट नहीं मंगा सकते तो फिर उनके लिए एक चांस होता है कि यहाँ पे आएँ और बाय कर ले चीज़ें, जिनके पास लाइक एंड टाइम की शॉपिंग जिनकी रह रही होती है। सो आई होप कि आपने भी कुछ बाय किया होगा। और मैंने आपको पता है एक ब्रेसलेट ही बाय किया था और कुछ नहीं। और फिर उसके बाद हम चले कि जी घर को, और घर जाके बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा काम था, इतना काम था कि अफ्तारी के बर्तन धो के आई थी। और फिर उसके बाद यहाँ से जी हमने यहाँ पे हमने खाई है पुडिंग, यहाँ पे कैरेमल पुडिंग मिल रही थी, हमने वो ट्राई किया बट इट्स एवरेज, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इससे अच्छी मैं घर पे बना लेती हूँ। और $5 का एक कप था तो हम सब ने पुडिंग खाई है। और फिर कुल्फ़ी भी थी, मैंगो कुल्फ़ी बहुत मज़े की थी, वो मैंने ट्राई नहीं की बट इट्स गुड।
फिर उसके बाद हम यहाँ से चले गए जी, चल के फिर हमने मैंने घर जाके फिर इन सबको मेहंदी लगाई है, और फिर उसके बाद इन सबको मेहंदी लगा के यार बहुत ज़्यादा थक गई थी। कपड़े तो ईद के पहने पहले ही प्रेस करके रख लिए थे, दोपहर में ही कर लिए थे, बिकॉज़ मुझे पता था कि सारा दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है। इधर मैंने गुडी बैग्स इरफान के साथ बना रही हूँ, डॉलर स्टोर से कुछ कैंडीज ले आई थी, रिंग पॉप्स थे और ये ट्विक्स चॉकलेट्स थे बच्चों के लिए कुछ, क्योंकि बिकॉज़ यहाँ पर बच्चों को गुडी बैग्स दें तो ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और कुछ के गुडी बैग्स के अंदर तो मैंने पैसे। पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और यार अपना और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, और सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा चांद रात मुबारक, और चांद रात के बाद बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। ईद का व्लॉग भी मैं डालूंगी नेक्स्ट, प्लीज़ उसको देखिएगा, और उसके साथ इसी के साथ फिर मैं लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।